विजेंद्र पांडा को क्या मालूम है, पूर्णिया में जमीन दिया जा चुका है। प्रशांत किशोर कोई नहीं है जिस पर हम प्रतिक्रिया दें। और आगे बोलिए, प्रशांत किशोर को हम कोई नोटिस नहीं देते। जो अदानी समूह है उसने कौन सा क्रांतिकारी ऐसा व्यापार किया है, मिरेकल जिसको कहते हैं, जो रातों रात उनका शेयर जो है 2000 का शेयर 6000 हो जा रहा है। अगर मन साफ है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, संसद में चर्चा कराइए। ऐसा कौन सा चमत्कारी व्यापार उसने किया उस कंपनी ने कि इतने बड़े धन के मालिक बन गए वो। महेंद्र कुशवाहा जी बताइए कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। वित्त मंत्री भी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब है। वित्त मंत्री का तो भाषण का बातें छोड़ दीजिए। और वाशिंगटन में पत्रकारों ने पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी समझ गलत है, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये तो समझदारी है उनकी। नया एयरपोर्ट के लिए जमीन दी जा चुकी है, कौन बोले ये बात? विजेंद्र पांडा को क्या मालूम है, पूर्णिया में जमीन दिया जा चुका है। विजय पांडा तो लोग राज्यसभा में आए थे पहली बार, कौन पार्टी से पता है आपको? नहीं पता है। बीजू जनता दल से आए थे राज्यसभा में, और बीजू जनता दल में वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जब उनके धंधा को देखा तो उनको निकाल के बाहर कर दिया। जब निकाल के बाहर कर दिया तो शरण में चले गए। उनको मालूम है पूर्णिया हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहित है। हाँ, ये कहिए कि जो वहां के जो लोग अधिकारी लोग चाहते हैं कि पश्चिम की तरफ उसका विस्तार हो, जहां उन लोगों ने पहले से जमीन खरीद के रखा हुआ है, जिन लोगों ने, वो चाहते हैं कि पश्चिम की तरफ उसका विस्तार हो ताकि उस खरीदे हुए जमीन पर वो व्यापार कर सके, होटल बनाए, रिसोर्ट बनाए, अपना धंधा चलाए। सरकार ने पूरब की तरफ जमीन दे दिया है, और पूरब की तरफ आप विस्तार करिए तो आप पश्चिम की तरफ क्यों करना चाह रहे हैं? इस देश में जो इतना बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ है, इस पर पूरी सरकार चुप क्यों है? पूरी सरकार क्यों चुप है? एक दो दिन के अंदर जब हिडनबर्ग का खुलासा हुआ और दो दिन के अंदर LIC को 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ शेयर में, LIC का उस अदानी ग्रुप के शेयर में लगभग 42,000 करोड़ रुपए का शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश है। किसके इशारे पर यह निवेश हुआ है? जो अदानी समूह है उसने कौन सा क्रांतिकारी ऐसा व्यापार किया है, मिरेकल जिसको कहते हैं, जो रातों रात उनका शेयर जो है 2000 का शेयर 6000 हो जा रहा है, 1200 का शेयर 5000 रुपया हो जा रहा है? क्या बात है, ये यही घोटाला है। और पूरी सरकार चुप है, चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर मन साफ है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, संसद में चर्चा कराइए। वित्त मंत्री का बयान देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं है। अरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है कि नहीं है यह तो चर्चा में पता चलेगा ना। आप जिस देश के वित्त मंत्री हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक विपक्ष के नेता को का अगर 500 करोड़ रुपए का और 50 करोड़ रुपए का कोई शेयर खरीद ले तो उसके यहां ED, CBI और इनकम टैक्स सब भेज दीजिएगा। और देश के वित्त मंत्री बोल नहीं रही हैं कि इस घोटाला करने वाली कंपनी पर क्या कार्रवाई हम कर रहे हैं।
काहे चुप है, क्या रिश्ता है, किसका संरक्षण प्राप्त है उस ग्रुप को, जिस ग्रुप जो ग्रुप 2014 में हिंदुस्तान में के पूंजीपतियों में 9वें स्थान पर था और 8 साल के अंदर 2022 में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ऐसा कौन सा चमत्कारी व्यापार उसने किया उस कंपनी ने कि इतने बड़े धन के मालिक बन गए वो? तो ये सब मामला कहीं नहीं है। LIC में किसका पैसा इन्वेस्टेड है? किसका पैसा इन्वेस्टेड है? अगर LIC का 35,000 या 40,000 करोड़ रुपया अगर डूबता है और 18,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान हुआ 2 दिन के अंदर LIC को, किसका पैसा डूबा? LIC में जो पैसा है वो कोई सरकार का पैसा है? नहीं, वो हम आप और जो लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो निवेश करते हैं वो पैसा वहां है। उस पैसे के साथ आप मजाक करना और चर्चा नहीं कराइएगा, कहां ले जाइएगा देश को? एक तुलाराम का कोई कांड हुआ था जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थी, कितना दिन संसद में चर्चा हुआ था। आप इतना बड़ा घोटाला हुआ चुपचाप बैठे हुए, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री भी कर रही है अर्थव्यवस्था खराब है, वित्त मंत्री का तो भाषण का बातें छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले हम देखे थे जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था तो गई थी वाशिंगटन और वाशिंगटन में पत्रकारों ने पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी समझ गलत है, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये तो समझदारी है उनकी और ये देश को चलाने का उनका नजरिया है, तो उनसे कल्पना भी करना बेकार है। लेकिन ये सब चीज छिपेगा नहीं, इस गरीब लोग, इस देश के गरीब लोगों का पैसा LIC में इन्वेस्टेड है और ये गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हम अगर लोन लेने के लिए जाएं 5 करोड़ रुपया तो 5 महीना दौड़ना पड़ेगा और 1,000 करोड़ रुपया का लोन उनको सैंक्शन हो जा रहा है उसी शेयर के बाजार पर, जो शेयर का बाजार पूरी जालसाजी से उछाला गया और एक बार भद से गिर गया नीचे। तो ये सब तो सब सामने आ रहा है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष से जाके इस सब प्रतिक्रिया पूछिए। और वो नेता है, नेता कुछ भी बोल सकता है, हम लोग पार्टी चलाते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को नेता पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है और इतना कोई भारी वो नेता नहीं है कि उन पर प्रतिक्रिया दी जाए। एक ही पार्ट अलग अलग वो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। सर बार बार वो कहते हैं कि लॉलीपॉप नाम का MLC पद हमको दे दिया गया है। देखिए MLC लॉलीपॉप का पद कैसे है, MLC बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये लॉलीपॉप का पद नहीं है। और ये पद उनको अगर मिला है तो उनकी सहमति से नहीं मिला है, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने उनको दे दिया, उनकी सहमति थी इसलिए उनको मिला। हाँ एक बात हमने उनको देखा है कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो हमसे कोई राय नहीं ली गई, ये तथ्य नहीं है। देखिए आदमी को के मन में चाहे जो भी बात हो और उसके भविष्य की कोई भी रणनीति हो, लेकिन सच्चाई का बयान करना चाहिए। जब राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा था, अनिल हेगड़े जी हम लोग के उम्मीदवार हुए, मैंने स्वयं जाके उनसे उनके घर पर बैठक की थी। जब राज्यसभा का आम चुनाव हुआ, खीरू महतो जी जब उम्मीदवार हुए, उस समय भी मैंने उनके घर पर जाके बात की।
विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ रविंद्र जी और अफाक अहमद खान, इन दोनों नाम पर मैंने स्वयं जाके उनके घर पर उनसे चर्चा की थी। इन तीनों मामलों में मैंने स्वयं जाके उनसे चर्चा की थी घोषणा करने के पूर्व, और तीनों बार उन्होंने जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उन पर अपनी सहमति जताई थी। तो इसलिए ये बात सच्चाई से उनको बोलना चाहिए, मन में चाहे जो कुछ भी हो। इसका मतलब कि वो अब ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये आप सोच सकते हैं, ये उनके मन में क्या है वो सोच सकते हैं, हम ये कैसे जाने। सर खबर हमसे तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को बोलना चाहिए, और बाकी तो उस पर अपनी उनकी क्या इच्छा है उस पर वो प्रतिक्रिया। सर खबर 2019 कौन है, छोड़िए ना प्रशांत किशोर, कौन है प्रशांत किशोर, कौन है प्रशांत किशोर सर, आपके कौन है प्रशांत किशोर, तो आपके आप जानिए, वो उनसे जाके पूछिए। प्रशांत किशोर कोई नहीं है जिस पर हम प्रतिक्रिया दें, और आगे बोलिए, प्रशांत किशोर को हम कोई नोटिस नहीं लेते।